तो आपको एक बहुत खुशी की बात बताते हैं और ये हमें बताते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज की जो हमारी वीडियो आ रही है वो 365th वीडियो है, यानी हमें कंटिन्यू एक साल हो गया वीडियो डालते हुए और आज की वीडियो हमारे लिए बहुत खास है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सत श्री अकाल है और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है नए ब्लॉग के साथ। और आज है दिन संडे का। संडे का दिन आपको पता है हमारा छुट्टी का होता है, वैसे हमारे हर दिन ही छुट्टी के होते हैं। मैं भी बोलने लगी थी हमारे हर दिन ही छुट्टी के होते हैं क्योंकि हम लाइफ होता है, क्योंकि आज के दिन हम गुरुद्वारे भी जाते हैं और बाकी हम लोग ना लाइफ को थोड़ा सा कूल करके जीते हैं, तो इंजॉय करके जीते हैं। तो इस करके हम लोग हर दिन को छुट्टी मनाते हैं और हर दिन को काम भी करते हैं, तो मतलब मिक्स एंड मैच चलता रहता है सब। तो चलो चलते हैं जरा, प्रीति को कहीं पर लेके जाना है काम से। जगह मैं नहीं बताऊंगा, जगह इसकी शक्ल बताएगी। हंसिए जरा। तो जगह आप समझ ही गए होंगे, पहले वहाँ शुरुआत वहाँ से करेंगे। और घर में कीरत रेडी हो रहा है, कीरत और प्रमनू रेडी हो रहे हैं और आज हैप्पी डॉटर्स डे है सबको। हैप्पी डॉटर्स डे है सब डॉटर्स को, हैप्पी डॉटर्स डे। सबसे पहले है प्रबलीन, फिर है प्रबनूर, फिर है अनीशा, फिर है किमरन, फिर है प्रिया, फिर है सीरत। तो सबको हैप्पी डॉटर्स डे, सब एंजॉय करो, मजे करो, चिल मारो। और हमारे घर में सिफ्ती, जपने, शैलजा सबको, और वो भी सहमत को भी, सबको सबको हैप्पी डॉटर्स डे। और अगर कोई बच्चा वो भी है मुनु, जो बच गया, और दिवगुन भी है, दिवगुन भी है, और जो बच गया उसको भी हैप्पी डॉटर्स डे। तो एंजॉय करते हैं, होप करते हैं मजे करेंगे और चलो आज के दिन मजे मारते हैं। तो अभी एक प्लान और भी है, हो सकता है आज के दिन हम रोटी बाहर खा के आए, क्योंकि कहते हैं ना कोई भी ओकेजन हो या कोई सेलिब्रेशन हो तो हम लोग रुकते नहीं है, कोई भी दिन हो मतलब एंजॉय करते हैं। तो आज डॉटर्स डे है तो रोटी तो बारी बनती है। तो अभी प्लान करते हैं, शैंकी गया हुआ है मोतीनगर, तो उससे बात करते हैं क्या प्लान बनता है। वो भी गुरुद्वारे आ रहा है तो गुरुद्वारे से फिर हम लोग कुछ ना कुछ प्लान करेंगे, या तो साइबर सिटी की तरफ चलेंगे या सीपी की तरफ चलेंगे, मतलब कहीं ना कहीं रोटी खाने जरूर जाएंगे। क्या बोलती है भाई? बिल्कुल जाएंगे। प्रीति तो वैसे ही खुश हो जाती है रोटी खाने के नाम पे, कहीं पे मतलब अच्छे रेस्टोरेंट में जाने के लिए। नहीं ऐसी बात नहीं है, कोई कुछ नहीं होती। मैं अभी यही सोच रही थी क्या बनाऊं, यही टेंशन रहती है। और ये मुझे टेंशन नहीं रहती, सारी वुमेन्स को टेंशन रहती है कि अब क्या बनाया है। प्रीति कह रही थी कि पनीर खाना है, तो मैंने कहा पनीर, तू कहती मैं आज डिफरेंट तरह का पनीर बनाऊंगी, मैं कहा तू जिस तरह का पनीर बनाएगी ना उसी तरह का चिकन बनाइयो कभी, तो पर ये पनीर बनाना चाह रही है। इसको ना घर में, मैं अकेली वुमेन नहीं हूँ, आप लोग भी सोचते होंगे कि घर में क्या बनाया जाए। कोई चीज होती है कि हम यही सोचते रहते हैं कि आज शाम को क्या बनेगा, दोपहर को क्या बनेगा, रात को क्या बनेगा, सुबह क्या बनेगा, यही दिमागों में चीजें घूमती रहती है। तो बस एक चीज, और एक चीज और अभी ना कि मैं तो ना पूछ के दोस्तों से, अपनी फ्रेंड से या भाभी या सिमरन या निधि से पूछ के ये बड़ी खुश हो जाती हूँ आज तूने क्या बनाया है, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है कि अगले दिन की मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मैं ये बना सकती हूँ, मैं इसमें खुश हो जाती हूँ। तो हम सुबह सुबह संडे के दिन यहाँ आए थे, आप खुद देखो समझ जाओ। आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, ये देखो आ गई, मतलब कुछ ना कुछ करती रहना होता है। मुझे एक मिनट कुक करके ढक्कन देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को अपनी चप्पलें देनी है मोची को, ये दो काम मेरे करा दो प्लीज, हाथ जोड़ के बेनती है, संडे का दिन मेरा सफल हो जाएगा। चलो इसको बहुत खुशी हो रही है, मार्केट लग गई हाँ। क्योंकि इसको गोलगप्पे भी मिलेंगे, मोमोज भी मिलेंगे। बात पता है इन लोगों ने इतना किराया दिया हुआ है और इनको कैसे एमसीडी वालों ने इनको कितना इनके साथ बुरा किया है। अब इसको मोमोज भी मिलेंगे और मोमोज खाए मेरे को बहुत दिन। तो 23 सेक्टर में जो काम था वो हमने कर लिया है और अब हम लोग उधर के, करा नहीं अभी करना है, पीछे कुकर का ढक्कन पड़ा है और साथ में मेरी ये स्लिपर्स पड़ी है, मुझे मोची के पास भी जाना है, कुकर वाले के पास भी जाना है। तो सारे काम करके फिर हम आपको मिलेंगे प्रभूर और बच्चों के साथ कहीं घूमने जाते हुए, और देखते हैं और क्या क्या प्लान बनते हैं। तो एट लास्ट प्रीति का कुकर ठीक हो गया। तो एक हमारे सब्सक्राइबर है हरदीप जी, जिनकी करोलबाग में दुकान है स्टैंडर्ड पनीर, तो उनका हमें मैसेज आया कि आज आप गुरुद्वारे आ रहे हो तो हम आपको मिलने आएंगे। मैंने कहा यार मिलने तो आप आ जाओ, कोई बात नहीं, आपकी दुकान का पनीर बहुत अच्छा है, 1 किलो पनीर हमारे लिए पैक करा के ले आना, क्योंकि हम करोलबाग में रहे हैं तो शुरू से इन्हीं का पनीर खाया वहां पे हमने परचेज करके। और अब जब भी मैं करोलबाग जाता हूँ तकरीबन पनीर लेके आता था, तो अब वो खुद ही आ रहे, तो मैंने कहा यार लेते आना, हमारा करोलबाग जाना मुश्किल है। तो उनका मैसेज आया कि मैं लेके आ रहा हूँ पैक करा के, तो थैंक यू वेरी मच जी, आपको शाम को मिलते हैं। और ठीक है ना, ठीक है ना, अब खराब तो नहीं हो, कितना टाइम तो चलेगा है? ये पुराना लगा हुआ था, ये उस दिन चेंज नहीं किया था, तो ये इसके ऊपर ये ऐसे ही रहता है, ये हां जी ये ऐसे ही रहता है, ये अगर कितने टाइम तक चलेगा ये बताओ? निकाल ही देगा, 1 साल तो आराम से पक्का।
कितने पैसे दूं? तो प्रीति कह रही है मैं भी ना कुछ माइनर माइनर काम करवाने हैं, जैसे कि इसका वाइपर की ब्लेड्स खराब हो गई है, शीशे साफ करती है तो चू चू की आवाज आती है, और कुछ बम्पर वगैरह की सेटिंग करानी है। तो ये सारे काम कराने के लिए एक दिन गाड़ी को ना शायद कार अशियाना पे लेके जाना पड़ेगा। तो अब पीछे डिक्की का लॉक भी टूट गया, डिक्की भी ओपन नहीं होती है। तो अब मैं सोच रहा हूँ किसी दिन कार अशियाना में फ़ोन करूँगा जॉली भैया को, जॉली भैया से पूछूँगा तो गाड़ी लेके जाऊँगा। इस पर भी अब सारे ना माइनर माइनर ये काम करवा के आते हैं, एक बार गाड़ी को रेडी करके सर्विस करा के टिप टॉप कर देते हैं। ये कह रही है टिकटॉक कर देते हैं, टिकटॉक नहीं भाई टिपटॉप बोला है, पहले सोच तो लो। एक बार देखो पानी आ रहा है, चेक करो आ जाएगा। ये हमारा शतर मुर्ग क्या देख रहा है, क्या देख रहा है भाई, ये पता नहीं क्या बैठ गया। तो हम हो चुके हैं रेडी, शाम के बज चुकी है 6 और अब हम निकल रहे हैं गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के लिए, और उसके बाद जाएंगे कहीं पे डिनर करने के लिए, चाहे कनॉट प्लेस जाएं चाहे कहीं जाएं। उससे पहले हमने आज वहां पे भी जाना है बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास जाके टाट स्प्रे भी लेने हैं दाढ़ी के लिए, अपने लिए भी और शंकी के लिए भी, और उसके बाद फिर प्लान बनाते हैं। चलो प्रीति कितनी देर यार, ये तो रेडी हो गया है। आज कौन सी शर्ट पहनी है जरा, भगत सिंह क्या लिखा है, लगदा फिर आना पाऊ। कीरत भी बाहर आ चुका है और मैं भी बाहर आ चुका हूँ, बट प्रीति और प्रभनूर का कोई अता पता नहीं है। प्रभनूर कहाँ है, तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और कीरत भाई साहब अपनी सीट पे आ चुके हैं। इनकी सीट यही होती है गाड़ी के अंदर ना, ये पीछे बैठना तो इन्होंने सीखा ही नहीं, और जब ये हमारे साथ अभी ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका कहीं जाएंगे तो इनको पड़ेंगे डंडे, क्योंकि ये पीछे बैठते नहीं है, और जो पीछे नहीं बैठता चलान उसी बच्चे का होता है, समझे। और पता है वहाँ पे क्या होता है, प्रीति मैं जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो प्रभनूर भी थी, तो प्रीति को मेरे कजन है वहाँ पे सन्नी अन्नी, तो उन्होंने बोला भाई प्रीति ने बेल्ट नहीं पहनी, तो जो जो लॉ तोड़ता है तो चलान भी वही भरता है। प्रीति कहती है ये सबसे सही है, है ना, यहाँ पे अगर बेल्ट मैंने पहनी और प्रीति ने नहीं पहनी तो प्रीति को पैसे देने पड़ेंगे। हमने ना एक्चुअली क्या था कि प्रभनूर को हमने कभी ऐसे था ही नहीं, प्रभनूर हुई और हमारा 1.5 साल का बच्चा था, तो इसको लेके निकल गए हम प्रभनूर को ऑस्ट्रेलिया कम से कम 20-22 दिन के ट्रिप में गए थे। हमने शुरू से ही जैसे मैंने ड्राइव करना इसको कार सीट में बैठाना शुरू से हैबिट डाली थी, और प्रभनूर कार सीट पे बैठती नहीं थी वहाँ पे, किस्मत ऐसी थी फॉरन ही तब किया जब कल्ला बैठना शुरू हुआ, क्योंकि बीच में कोविड वगैरह आ गया सब कुछ आ गया, तो बीच में बस चक्कर ऐसे चलता रहा। पहले तो पैरी के साथ में ड्राइव भी नहीं कर सकती थी, बहुत मुश्किल होता था, ये मुझे करने ही नहीं देती थी, तो इस मामले में कीरत तंग नहीं करता था, ट्रेंड कर दिया था, अभी अपनी कार सीट पे बैठता ही बैठता था, बिना अपनी किसी गोदी में नहीं बैठता था, इसके लिए स्पेशल कार सीट लगवाई थी हमने। तो क्या बेहतरीन मौसम हो रहा है, मजेदार वाला मस्त मौसम, बारिश के बाद जो मौसम होता है ना वाकई मजेदार हो जाता है। तो ये हम खड़े हैं, VIP मूवमेंट हो गई है और धूला कुआं के फ्लाईओवर से पहले ही हमें रोक दिया गया है। हम जा रहे थे रकाबगंज साहिब जैसे आपको पता है, बट हमें यहाँ पे रोक दिया गया है। अब कितनी देर के लिए VIP मूवमेंट है कुछ नहीं पता, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सुनेंगे मूसे वाला के गाने और मस्त एंजॉय करेंगे। होता है इमरजेंसी नंबर पुलिस का, यस तो ये ट्रैफिक चल चुका है और हम आई थिंक चल रहे हैं 4th नंबर पे, और अभी हम थोड़ी देर में कोशिश करेंगे कि नंबर 1 आए, पर आ नहीं सकते हैं, रेस नहीं करनी हमने। तो प्रीति कह रही है कोई रेस नहीं करनी हमने, आगे चलान हमारा चलान हाँ हो सकता है भाई, हम कोई VIP थोड़ी ना, हमेशा हो सकता है, हम डर के चलते हैं, बिल्कुल करने चाहिए ट्रैफिक रूल हमेशा फॉलो करने चाहिए। तो आज जो है ना ये हमने भी डिसाइड किया है कि आज हम प्रभनूर की चॉइस की रोटी खाएंगे, जहाँ प्रभनूर बोलेगी वहाँ हम जाएंगे रोटी खाएंगे, बिल बेशक हम देंगे पर प्रभनूर की चॉइस से जाएंगे। तो प्रभनूर बताएगी कहाँ जाना है, हटवे की रत्तू जहाँ पापा बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे आज तू बोलेगी, हमको तेरी चॉइस से जाना है, सोचते हैं। तो कह रही है मैं सोच के बताती हूँ, तब तक आप 11 मूर्ति देखो। 11 मूर्ति आ गई,
लो जी सानू साड़ी फैमिली मिली है रकाबगंज साहब। तो की नाम वीर जी अपना? भाई रमनीत। और है उत्तम नगर रहंदे हैं? मेरा नंबर याद है। इधर देख के सानू इतना अच्छा लगदा उस टाइम। यानी बहुत बहुत प्यार सारे इतना प्यार दिंदे। मम्मा ने बोला बेटा इधर भी ब्लॉग में बोला है क्या चॉकलेट खाने। अच्छा देख मम्मा से पूछ ले बोला है ना कोई दीदी आ जा। और तेरा बहुत बड़ा पिक आले फण ये गुड़िया से फिर कहे फिर इन्होंने कह देना फिर गर्दन छोटी ओ लो जो आवे मैं क्या नाम है आपका? हिनाया। ओके कहाँ रहते हो? गुड़गांव। वेरी गुड। गुड़गांव रहते हो? हम भी गुड़गांव रहते हैं। नहीं सानू लाजपत नगर तो स्पेशल बाबा जी नु मिलन आए फिर सानू भी मिलन आए जी। की नाम अपना? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी कैमरा बंद करने के बाद कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं वो बड़ी सीधी से वो कुछ नहीं। मैंने बताया था ना स्टैंडर्ड पनीर वाले आ रहे हैं ये है स्टैंडर्ड पनीर वाले। हमारी सीमा नहीं आई। हम बचपन से इनका पनीर खाते आ रहे हैं। आज ये स्पेशल हमारे लिए पैक करा के लाए हैं। डॉटर्स डे के लिए अपनी बेटियों को मिलवाने के लिए लेकर आए हैं। ये कहते कि हमारे को क्या गिफ्ट दे रहे हो क्या गिफ्ट दे रहे हो तो हमने बोला आज हम आपको मिलवा के लाएंगे मोनू भैया से भाभी से और सब बच्चों से मिलवा के लाएंगे। आप लोग इतना प्यार देते हो तो आए स्पेशल। ये ना हमारी पुरानी पुरानी वीडियोस देखते हैं और प्रीति को बता रहे हैं कि पुरानी वीडियो में तू क्या करती थी। आपने भैया को हाथ जोड़ के नहीं प्लीज मेरे को ले चलो याद है मैं दुकान पे था मुझे स्पेशली फोन आया फटाफट उनका वीडियो देखो बहुत मजेदार वीडियो कैसे कर रहे हो। तो ये पुरानी वीडियोस भी याद दिला रहे हैं देख रही है। तो प्रभनूर कह रही थी पापा नगर कीर्तन और वो नगर कीर्तन आ गया। आ जा प्रभनूर। तो ये नांदेड़ हजूर साहब से वापस आया नगर कीर्तन। कहाँ से आए हो आपका क्या नाम है? सहज। वेरी गुड। तिलक नगर से। आपका क्या नाम है? जसनूर। कहाँ से आया आप? फतेहनगर। फतेहनगर। गुरुद्वारा में प्रसाद चक्रा बहुत सारे चक्राई बन के साथ फोटो को चाहिए तो आपको देखने को मिल जाएगा और जिन जिन चक्राई बन के साथ फोटो को चाहिए वो भी व्लॉग में है। और अभी हम जा रहे हैं टाफ लेने खाना पता नहीं कहाँ खाए। पहले जा रहे हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे के बाद टाफ लेंगे और मामू के लिए भी टाफ लेना है अपने लिए भी लेना है मेरे लिए रबड़ लेना है कड़ा लेना है। हाँ इसके लिए कड़ा लेना है रबड़ लेने और उसके बाद फिर हम लोग सीधा निकलेंगे पता नहीं कहाँ पे जहाँ निकलेंगे वो पता लग जाएगा। क्यों भाई चला कीरा चले जल्दी जल्दी लेके आए इसको कड़ा दिलाना है पहले जूड़ी के रुमाल भी ठीक है देख ठीक है टाफ्ट हो गया और टाफ्ट तो ये हमने ले लिए टाफ्ट कीरत की जूड़ी के लिए रुमाल और रबड़ बैंड और ये सही मिल गया क्या कड़ा भी ले लिया इसके लिए सही सही मिल गया। अब जब मारे यहाँ से बस चल जा वड़िया मैं करोल बाग ओ ऐसी बस्ती बिन पीते हैं जिथे यार जी चढ़ जावे हमें। तो अभी सन्नी से बात हुई है तो सन्नी कह रहा है कि डिनर करने के लिए बारबेक्यू टाइम बुक कर रहे हैं सारी फैमिली वहीं पे आ रही है तो आज हम भी टाइम निकाल के कनॉट प्लेस से कैंसिल कर दिया है और सीधा हम वहाँ जा रहे हैं वहीं पहुंच के रोटी खाएंगे। तो सन्नी कह रहा है वहाँ पे बहुत सारी आइटम्स है खाने के लिए डिफरेंट वैरायटी मिलेगी तो आज वहीं चलते हैं। अभी ये सो रहा था सोते सोते इसको गाना याद आ गया कह रहा है मैं गाना सुनाऊंगा अभी गाना सुनाने आ गया सुना दे सुनाइयो
एक्चुअली मैं पूछ रही थी आप कोई पंजाबी गाना सुनाओ, मैं भी यही सुना रही थी। बता कौन सा? दस फुट तेरा है जिदम कास्तो चंगा वाला दस बोन कास्तो अजीरे दरवाजे विच तू चंगी खड़े हैं। तो गाड़ी कर दी हमने पार्क और हम खाना खाने आए हैं यहाँ पे बारबेक्यू टाइम्स। यहाँ पे है जी बिगेस्ट बफेट ऑफ नॉर्थ इंडिया। यहाँ पे नॉर्थ इंडिया का सबसे बिगेस्ट बफे लगता है। अरे वाह, चलो ट्राई करते हैं। मैंने तो ये पढ़ा यहाँ पे, बताना किसने है ये पढ़ा यहाँ पे। तो डैडी हमारे लिए लिफ्ट रोक के खड़े हुए हैं। ये इसको बोला 2 दबा दे, इसने -2 दबा दिया। ये इसको मैंने बोला था हमारे साथ चल ले, कह रही नहीं, पर अब फिर पीछे पीछे आ गई। वो देखो उसकी मस्ती। तो आज डॉटर्स डे पे मस्त इसकी डिमांड पे हम लोग आए हैं बारबेक्यू टाइम पे। और ये हमने यहाँ के पढ़ा कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा बफेट है, तो अब यहाँ पे हम रोटी खाएंगे। बिगेस्ट बफेट, ये मतलब चॉइस है इसकी। इससे हमने पूछा था, इसने बोल दिया आज पापा सीपी में नहीं खाना, आज सीधा गुड़गांव। और गुड़गांव में पता है कहाँ लेके आई है हमें? मेदांता हॉस्पिटल से भी आगे कहीं पे कोई सेक्टर है, यहाँ पे M2 के मॉल है और वहाँ पे इतनी दूर लेके आई है। तो चलो इसके कहने पे आज हम डिनर एंजॉय कर रहे हैं। और हम यहाँ पे सन्नी भी आया हुआ है, बिट्टू भैया की फैमिली भी आई हुई है, सोनू भी आया हुआ है, बस सब सारे यहाँ डिनर करेंगे और मस्त इंजॉय करेंगे। ये आज खुश होगी डॉटर डेज पे। ये मास्क लगा के खाती है। इसकी ब्राउनी मिल रही है कहाँ पे? अच्छा जी, मजे फिर तेरे तो। कीरत गया बोलने के लिए, 295 लगा दो मुझसे वाले का। प्रीति कुछ पूछना चाह रही है, क्या पूछ रही है? कि इनके पास इतना कुछ है, इतना अच्छा, बहुत अच्छा खाना है, इनके पास चुस्की होगी एक। मैं पूछता हूँ जाके। मोमोज खा गई, मोमोज सभी खाना खा के निकले हैं। और बहुत ही मजेदार खाना था, अच्छी अच्छी डिशेस थी, बहुत सारी वैरायटी थी। गुलाब जामुन आइसक्रीम भर के खाई थी। हाँ, इसने तो सिर्फ आइसक्रीम खाई, जब रोटी खाने की बारी आई तो इसको दांत में दर्द शुरू हो गया था, है ना? नहीं, ड्रामेबाज। हाँ, अब आ कर रहा, देखो इसने 3-4 आइसक्रीम खाई है। कितनी खाई है? आइसक्रीम नहीं मिली तो आइसक्रीम का कौन ही खाता रहा? आइसक्रीम मिल जाती, आइसक्रीम ओरियो वाली कौन? बेटा कल बारिश नहीं है, कल स्कूल है। और खूब मजा आया, खूब मजा। तो अब चलते हैं घर की तरफ। वीडियो को देख लिया तो एंजॉय करो, लाइक करो। और किरत बता दे, तो इस वीडियो को पेंट कर दे, होप करते आपको अच्छा लगे, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना, और क्या था, बेल आइकन दबा देना। और आज हमने करी मस्ती और आज हमने करी दस्ती। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय 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 बाय। आज कैमरामैन करेगा, ढक्कन बंद।